ओके कर लो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौमिंदर सियासत। आज हम फिर से एक, पहले हमने एक इंटरव्यू ले लिया था, मतलब जिसको रिव्यू बोलते हैं, और आज हम दोबारा से इनका ट्रेड है वॉशरमैन। ठीक है, ये CISF ट्रेडमैन का अभी फिजिकल पास किया है इन्होंने। तो हम इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करेंगे मैं शुरुआत में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एंट्री वगैरह कितने बजे इनके बारे में जानेंगे, उसके बाद PST के बारे में जानेंगे, उसके बाद PET के बारे में जानेंगे, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में हम ट्रेड टेस्ट में क्या क्या हुआ था इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्त, एक बार आपका परिचय दे दीजिए आप और स्टार्ट कर दीजिए। हाँ भाई, मेरा नाम विनोद है, मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा जो फिजिकल हुआ था वो कल हुआ था, 8 तारीख को, रावतवाटा कोटा में राजस्थान। अच्छा, शुरुआत में आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि हम लोग अपने हिसाब से पहुंच जाएंगे सेंटर पे, जहां जहां देश में होगा वहां पे, आपका एंट्री का टाइम वगैरह ये सब अपनी तरफ से यहाँ बोलते जाओ। एंट्री का टाइम जो एडमिट कार्ड में दे रखा है 6:30 बजे दे रखा है, लेकिन वो जल्दी थोड़े लाइन लग जाती है, 5 बजे चले जाओ आप, जितना जल्दी हो जाओ उतनी जल्दी चले जाओ। लेकिन वो कैसे भी चले जाओ, वो शुरू में अपन को चेस्ट नंबर उसी हिसाब से मिलेगा, जिस हिसाब से सीरियल नंबर से अपना जो बना होगा ना, सीरियल नंबर पर, जितने सीरियल नंबर पर अपना नाम होगा उस हिसाब से चेस्ट नंबर दे देंगे वो लोग। अच्छा, तो शुरुआत में जाते चेस्ट नंबर मिल जाएगा। एंट्री के टाइम क्या चेक करते हैं वो? एंट्री के टाइम पे वो बस ID चेक करते हैं और एडमिट कार्ड चेक करते हैं, और इसके बाद में एंट्री करवा लेते हैं बस। उसमें एंट्री के टाइम पे वो अपनी नाम लिखते हैं और मोबाइल नंबर लिखते हैं बस एंट्री गेट पे। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था कि लास्ट एंट्री कब तक है, तुम्हें पता है कुछ? हाँ, लास्ट एंट्री का ये है कि वो लड़के 8-9 बजे तक आराम से आते हैं, वो बाकी सेंटर के ऊपर डिफेंस करता है। एक और बात मैं इस वीडियो की शुरुआत में पूछना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लड़के बोल रहे हैं कि हमारे एक दिन में 2 फिजिकल है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिकल की डेट चेंज हो जाए? तुमने कुछ ऐसा सुना हो या किसी ने करवाया हो? अच्छा, और अलग किसी भर्ती का होगा, ITVP का हो सकता है। हाँ, तो उनका क्या है, एक दिन में दो दो चीजें हैं, वो दोनों देना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो सुनो, बैक डेट में भी ले रहे हैं वो लोगों को, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रहे कि जो हम बैक डेट में देने जा रहे हैं ना, तो उस दिन छुट्टी वुट्टी नहीं हो। जैसे आज संडे था, तो आज फिजिकल ऑफ है ऑल इंडिया में, तो जैसे वो लोग बोल रहे थे, जैसे कल हुआ था और फिर आज ऑफ है, फिर कल होगा, कल 10 को होगा फिर। अच्छा, तो, हाँ, और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखे लिस्ट में जो ना देख ले कि भाई हम जो जिस डेट को जा रहे हैं उस डेट को हमारी ट्रेड का बाकी है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन जो ट्रेड का हम देने जा रहे हैं वो ट्रेड ही खत्म हो चुकी होगी, तो वो फिजिकल कहाँ से लेंगे फिर अकेले बंदे का। बिल्कुल, देखो ये अच्छी बात बोली है। सबसे पहले भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे आपका दोस्त किसी का छूटा हो, एक ध्यान रखें कि आप जिस दिन देने जाओ उस दिन कोई GH RH या वीकली ऑफ और या संडे वगैरह ना हो। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, क्या पता अभी शुरुआत में जो हमने कुक वाला लिया था, अब कुक का सेंटर ही खत्म हो गया हो, सपोज करो एक दिन एक चीज कोई बुलाते हैं, कुक वालों को कुक, वॉशरमैन वालों को वॉशरमैन, दर्जी वालों को एक दिन ही, तो एक बार आप ये जरूर पता कर ले कि जिस दिन आपका फिजिकल छूटा है, जिस ट्रेड का आपका फिजिकल है, उसी दिन आप अगर चले जाओगे 1-2 दिन के भीतर, तो आपका जो दोबारा से हो जाएगा, पर आपको अपनी ट्रेड के दिन जाना है, अगर आप दूसरे दिन गए नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली, मैंने भी समझा दिया, आपकी बातें भी सुन ली होंगी। दूसरा, जब चेस्ट नंबर मिल जाते हैं उसके बाद क्या होता है आगे, थोड़ा स्पीडली? हाँ, चेस्ट नंबर मिलने के बाद में वो सीधा ले जाते हैं और जो बोल पाइप लगा के रखते हैं उसमें से होकर निकालते हैं बस। एक बार वैसे ही लगभग में हाइट का मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद में अंदर डॉक्यूमेंट, पहले वो फॉर्म दे देते हैं, फॉर्म कंप्लीट कराते हैं वो लोग, और उसके बाद में PST के लिए ले जाते हैं। अच्छा, PST में क्या क्या होता है? PST में सबसे पहले हाइट नापते हैं वो लोग, उसके बाद में चेस्ट नापते हैं और वेट नापते हैं। अच्छा, जैसे कि एक बार मुझे बता दीजिए कि लोग कितने फेल हो रहे हैं, एक रेशियो हमें लग जाएगा, एक दिन में टोटल कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं? एक दिन में लगभग 400 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं यहाँ पे, जो सेंटर था रावतवाटा में, इसमें 400 कैंडिडेट की लिस्ट थी, उसमें से लगभग 120 117 के आसपास लड़के आए थे, उसमें से 71 लड़के क्लियर हुए, बाकी सब रह गए थे। तो देखो दोस्तों, ये सीधी सी लिस्ट है, सारी चीजें एक एक 10 सेकंड में ही हो गई। टोटल 400 बुलाए हैं, 120 आए, और कितने पास हुए? उसमें से 71 लड़के क्लियर हुए और बाकी सब रह गए थे, कोई रनिंग में रह गया, कोई हाई चेस्ट वेट में रह गया, और उसमें रह गया था ट्रेड टेस्ट में रह गए थे 18-20 लड़के रह गए थे करीब। चलो ये हो गया है। सबसे पहले हाइट और चेस्ट में थोड़ा बहुत छूट दी जा रही है या फिक्स जिसका होगा तभी लिया जा रहा है?
देखो हाइट में कोई छूट नहीं है, हाइट में लगभग में कोई होगा तो ले लेंगे, लेकिन चेस्ट में तो वो नॉर्मल नाप रहे हैं, चेस्ट तो वो लगभग सबका ज्यादा बैठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं चेस्ट में, और वेट में किसी को बात नहीं करेंगे वो लोग। तो दोस्तों ध्यान रखो, हाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 1 इंच भी कम है तो नहीं लेंगे। चेस्ट का तो ये है, आप मोटे पतले होते रहते हो, तो इसलिए आपको 1 इंच कम है तो ले लिया जाएगा। चलो ये हो गया है हमारा, वेट का तो कोई टेंशन नहीं है, कितना भी हो किसी का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा रेशो हाँ चलता है लेकिन फिर भी ले लेते हैं, वो थोड़ा बहुत ज्यादा कम हाँ ज्यादा हाँ होता है तो। वेट का हमेशा मेडिकल में चेक किया जाता है, कोई बात नहीं। आगे आप बता दो रनिंग का, पीईटी, जो पीएसटी पास करेगा वो ही पीईटी में जाएगा। हाँ, जो पीईटी पास पीएसटी पास करेगा उसके लिए पीटी के लिए ले जाएंगे पी, हाँ और उसमें रनिंग में पूरा 6.5 मिनट दे रहे हैं, वो टाइम लगा रहे हैं, और जो पास हो रहा है वो पास है, 6 मिनट 31 सेकंड भी हो रही है तो उसको फेल कर रहे हैं, बाकी 30 के अंदर आ रहा है वो सब पास है। बिल्कुल, मुझे ये बता दीजिए आपका ग्राउंड था वो कैसा था, रावत भाटा राजस्थान में कोई भी देने जाएगा तो उसको ये आइडिया हो जाएगा। रावत भाटा में जो ग्राउंड है ना वो रोड पर रनिंग करा रहे हैं, वो 800 मीटर का ट्रैक है, जाना है फिर वापस आना है। टोकन वगैरह का कुछ वो हाँ है? टोकन है, वो उधर टोकन दे रहे हैं, जिधर से अपन रनिंग स्टार्ट पॉइंट है उस से जहाँ जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, वहां से टोकन दे रहे हैं, फिर वो वापस टोकन ले रहे हैं उसी हिसाब से। चलो ये हो गया है रनिंग, रनिंग पास करेगा जो आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा। और बाकी राजस्थान वाले थोड़ा सा ये ध्यान रखे, रावत भाटा में दो दो सेंटरों पर भर्ती चल रही है, एक दूसरा ये पास में ही रेलवे स्टेशन के पास में रावत भाटा, करीब 50-52 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा जल्दी जाए वहाँ। हाँ भाई ये चीजें ध्यान रख लो, रावत भाटा की जगह 2 सेंटर है, आप कहीं आपका कोई और हो और आप कहीं और पच जाओ, और दोनों के बीच में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें आप सोच समझ के पहले ही मैप वगैरह देख के जाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये हो गया है हमारा, अब आप बता दो पीईटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ उसके बाद में पीईटी होने के बाद में वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्सों में यही है जो 10 ही मिनिमम है जो अपने फॉर्म में लगाई है वो ले जाना जरूरी है कंपलसरी, और उनकी की कॉपी ले जानी है सबकी, एक कॉपी जमा और होती है पूरी फोटोकॉपी का एक सेट, हाँ पूरा सेट जमा होता है, एक और बार आप है उसमें ना जो, स्टेप टू स्टेप हर चीज का बोल दो कि ये डॉक्यूमेंट सही हाँ है। बिल्कुल, देखो हाँ सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट देखते हैं, इसके बाद में वो कास्ट सर्टिफिकेट देखते हैं और मूल निवास देखते हैं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स बताए और आपने। हाँ ये तीन डॉक्यूमेंट्स में है ना, बाकी आधार कार्ड तो वो नॉर्मल देखते हैं, इसके आधार कार्ड की जेरोक्स नहीं लेते हैं वो लोग, और तीन फोटो चाहिए, एक जो एडमिट कार्ड पे लगेगा, दो जो फॉर्म में लगेंगे, तीन तो मिनिमम और चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 1 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्शन स्लिप दे देंगे सबको। अच्छा, वो तो टाइम दे रहे हैं जिसका बचा है उसको। टाइम दे रहे हैं वो, रिजेक्शन स्लिप दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जब एग्जाम होगी जब आपको दिखाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जा रहे हो वो जब एग्जाम होगी जब दिखाना पड़ेगा। देखो दोस्तों डायरेक्ट आपको बाहर नहीं कर रहे हैं, पर ईडब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले ध्यान दें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, मतलब अंडर 2000, मतलब 6 महीने। आप अगर 22 का है आपका, तो लगभग अभी क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल चल रहा है, तो आपका अप्रैल में बना होना चाहिए लास्ट ईयर, उसके बाद में मई में बना होना चाहिए, नहीं तो आप नया अप्लाई कर दो। टाइम दे रहे, जब तक फिजिकल चलेगा तब तक जाके दे सकते हो, नहीं तो जब एग्जाम देने जाओगे तब आपको देना होगा। ये दो कुछ कंडीशन है आपकी, तो इसलिए ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दें। चलो ये आप यही डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल बस। बस यही, और जो एसटी वाले ना उनको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है, क्योंकि वो कास्ट सर्टिफिकेट में जब ही छूट, हाइट में छूट जब ही मिलेगी उनको पहले हाँ ये ही। कंपलसरी भाई, एसटीएससी का ये है, आपका एक बार कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, जब तक संशोधन नहीं होता है कुछ, तो इसलिए आपको भी सबको ले जाना जरूरी है जो कैटेगरी में छूट लेगा, एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी, ये आपको ध्यान रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट हाँ कंपलसरी है वहां पे। चलो ये डॉक्यूमेंट्स की हमने चर्चा कर ली, इनकी एक कॉपी लेके जानी है, उसके बाद आप ट्रेड टेस्ट का बता दो, आपका कौन सा ट्रेड टेस्ट था, A to Z अच्छी तरीके से बता दो जिससे लोगों को आइडिया हो जाए अच्छे तरीके से। हाँ भाई हाँ ठीक ट्रेड है सर। ट्रेड का बता दो, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ इसके बाद में ट्रेड हुआ था हमारा, ट्रेड में वो जो 30 नंबर का ट्रेड होता है कोई सी भी पोस्ट का हुआ आपका। अच्छा नंबर मिलते हैं क्या ट्रेड के? हाँ 30 नंबर का ट्रेड टेस्ट है, उसमें से 15 नंबर ऑल कैंडिडेट को लाना कंपलसरी है। बिल्कुल अच्छा वो 15 नंबर ले आएगा वो ट्रेड टेस्ट पास है। बिल्कुल, 14 भी आएंगे तो फेल है, एक और बार सभी मुझे को बता दो लाना। आपका ट्रेड क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में? हिंदी इंग्लिश दोनों, मेरा ट्रेड वासर में इनका था, हिंदी में बोले तो 2 भी, और अब मुझे स्टेप टू स्टेप बता दीजिए, मतलब हुआ क्या था इसमें, इस ट्रेड में? इसमें ना जो कोई सी भी ट्रेड हुआ उसमें जो नोटिफिकेशन में दे रखा है ना जितने भी पॉइंट दे रखे हैं वो सब पॉइंट करवाते हैं वो लोग, जैसे कि आप जैसे सभी लोग इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे, तो सबसे पहले जैसे आप सभी लोग कितने लोगों का एक साथ हुआ था कुछ ऐसे? अच्छा
वो लोग आठ आठ दस दस लोगों को लेके जाते हैं, उसमें से फिर चार चार को करके लेके जाते हैं वो अंदर, तो अच्छा मतलब सब सब आप देख नहीं सकते अदर लोग क्या कर रहे हैं। नहीं देख सकते हैं। जो हम लेन में खड़े रहते हैं वो अंदर नहीं करवा रहे थे, ज्यादा अंदर नहीं करवा रहे थे, तो बाकी हम चार चार लोग जा रहे थे, तो जो आगे चार जो लोग गए उनको देख सकते थे हम क्या करवा रहे हैं वो। और अच्छा एक बार हम मुझे बता दीजिए जैसे कि हुआ क्या क्या था। सबसे पहले उन लोगों ने वहां पे बाल्टी रख रखी थी और एक 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 पेंट एक ड्रेस रख रखी थी, जिसमें एक पेंट था एक अच्छा शर्ट थी। तो हाँ भाई उन क्या करो, क्या क्या शर्ट कैसी थी। ये वर्दी थी पूरी। अच्छा फौजी वाली वर्दी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और सीआईएसएफ की सब वर्दी कैमो थी। फ्लाई थी या नहीं खाकी कैमो थी। फ्लाई नहीं थी, खाकी अच्छा खाकी वर्दी थी। हाँ अब बताएं। वर्दी थी। तो उसमें वो दो पैंट थे और दो शर्ट थे, चारों लड़कों को एक एक उठाने के लिए बोला। उसमें कैसे आप धो धुल रहे हो उसको, कितना पानी यूज कर रहे हो, कैसे सामान लगा रहे हो, वो सब देख रहे थे। उसके 10 नंबर थे। अच्छा कैसे उजे उसमें सारी चीजें गिनी जाएगी कैसे उठाते हैं ये लोग हाँ कितने पानी में क्या क्या कैसे धोते हैं इसके 10 नंबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये होता है कि आप कैसे मतलब क्या कर रहे हो। सबसे पहले सामान कहाँ पर लगा रहे हो, जो सबसे पहले कॉलर पर सामान लगाया जाता है, उसके बाद बाजू में लगाया जाता है, उसके बाद में उसको फोल्ड करके और थोड़ा बहुत सेल कर देते हैं, उसको थोड़ा हाँ निचोड़ कर और उल्टा करके सुखाया जाता है। अच्छा तो ये मतलब लड़कों को ध्यान रखना है सबसे कॉलर फिर हाथों वाली बाजुओं पे और कान के बगल में वो अंदर और उसके बाद थोड़ा सा और उसको ऊपर नीचे साबुन घिसके और धो के अच्छे से और उसको उल्टा करके सुखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि पैंट को धुल रहे हो तो आप सबसे जेबों को थोड़े से ढंग से धोए और उसको अंदर से भी धोए और उल्टा करके सुखाए, और जिधर से जो मोटा भाग है ना उसको सूट की तरफ करके सुखाए, जहाँ से किरणें आ रही है उधर से मोटे भाग को। अच्छा तो मतलब जो अगर आप तार पे सुखा रहे हो तो ऊपर मोटा वाला भाग ऊपर होना चाहिए तार के ऊपर। हाँ जिधर से सूरज की किरण आ रही है उधर। हाँ हाँ ये हो गया दो चीजें ध्यान रखने वाली। हाँ और साबुन कौन सा था। साबुन कोई सा भी लगा लो, वो वहां पर रखते हैं, साबुन भी रखते हैं ब्रश भी रखते हैं, वो तो फिर उनके हिसाब से कैसे भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा टाइम देते हैं कैसे भी, कितना भी टाइम, टाइम का कोई वो मैनेजमेंट नहीं रहता, आप टाइम कितना भी ले ले। तो इसके बाद में वो प्रेस के लिए ले जाते हैं अंदर अंदर, उन्होंने प्रेस रख रखी है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, जो बड़ी बड़ी प्रेस है जिनमें करीब दो दो ढाई ढाई किलो वजन हाँ हाँ बड़ी रहती है फौज में। और है। हाँ उसके बिल्कुल, उसके बाद वो प्रेस करने का आप पहले धो दिए सुखा दिए उसके बाद थर्ड आपको प्रेस करने ले गए। नहीं वो अलग वर्दी थी, वो प्रेस हाँ करने हाँ वाली अलग अलग वर्दी थी। थी वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वहां पे भी क्या है कि उसमें एक तो सूती टेरी वो वाली प्रेस को करवा रहे हैं, टेरी कोट वाली करवा रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने शर्ट रख रखी है जो खाकी वाली शर्ट होती है ना वो, हाँ 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 खाकी शर्ट जो और ये जो कॉम्बैक्ट बोलते क्या बोलते हैं, ये पेंट में ही कैमोफ्लाई पेंट जो रख रखा। फौजी वाली हाँ वर्दी कैमो, होती है उसको हमारी लैंग्वेज में कैमोफ्लाई बोलते हैं। हाँ तो हाँ कैमोफ्लाइट का पेंट रख रखा है उन लोगों ने। तो वो देख रहे हैं सबसे अच्छा पहले प्रेस आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले अच्छा प्रेस करने का ये है कि सबसे पहले अपन को कॉलर बनानी है, उसके बाद हाँ में कॉलर का अंदर वाला भाग, पहले बाहर वाला भाग बनाना है, फिर अंदर वाला बनाना है, उसके बाद में फोल्डर बनाना है, उसके बाद में ये पीछे वाला तीरा होता है ये बनाना है, इसके बाद में अंदर से प्रेस कर लो, इसके बाद में बाजू बना के और फिर सीधे ऊपर से करके और फिर सीधा पलट दो, और पलट के पीछे से प्रेस कभी नहीं करनी है, उसके बाद में फोल्डिंग करो और बस जमा दो, थोड़ा सा जमने के बाद में एक बार और प्रेस मार के और बस रख दो साइड में। बस ये तीन काम है। हाँ और पेंट का भी ऐसे ही है, सबसे पहले पेंट को ऐसे जिधर से क्रीज बन रही है बनी हुई क्रीज हाँ उसके हिसाब से ज्यादातर तो करनी क्या है। है फौज के पैंटों में ऑलरेडी प्रेस टाइप की एक बनी होती है एक लकीर खींची जाती है वही देव उसमें नहीं हो तो वो ये सेम दोनों वो हुक के वो उस टाइप में मिला लेने हैं और ऊपर फोल्ड करके और वो प्रेस करने का पैंट प्रेस करते हुए लोगों को देखा होगा उसी तरीके से है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, वो क्या है उसको ऑफ रखते रहे, ऐसा ना हो कहीं आप गए और प्रेस उधर से बंद और आप प्रेस करने लग रहे हो, उसको ध्यान रखना, फिर आना जब भी बंद करके आना, फिर थोड़ा सा ये ध्यान, प्रेस गर्म हुई है नहीं है, ज्यादा गर्म तो नहीं, बस इन बातों को ध्यान रखना, बाकी वो कुछ पूछ नहीं रहे और बस आपको पास हो जाए, वो कोई ज्यादा वो बिल्कुल वो नजर मतलब रखते हैं कि ये करता क्या है। सीधी सी बात है आप गए सबसे पहले ऑन बटन करना है 2-4 मिनट वेट करना है हल्का सा कपड़े पे चला के चेक कर लेनी है गर्म हुई है या नहीं उसके बाद जब प्रेस फिनिश हो जाती है उसके बाद बंद करना है प्रॉपर खड़ी प्रेस रखना है या कोई पत्थर है तो सीधी रख देना है और वापस आना है ना यही। बिल्कुल वो। हाँ बड़ी प्रेस है वो सीधी रखी जाती है, उसमें पत्थर बने होते हैं ऑटोमेटिक जो प्रेस होती है, अच्छा तो ये था उसके बाद कुछ। उसके बाद कुछ नहीं है, वो जो पास होते हैं उनके लिए बता देते हैं, जो फेल होते हैं उनके
तो स्लिप होती है उसको दे देते हैं, बाकी वो समझा देते हैं कि आप एडमिट कार्ड आ जाएंगे, बस अपडेट कर देंगे, ये बस यही था उसके बाद बस। तो ये हुआ है आज का फिजिकल, ये आपका पूरा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, सारी चीज़ें आपने अच्छे से सुन ली होगी। अब वीडियो को रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे से नहीं हो पाती है, इसलिए हम ऑडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें सुनाते हैं। ये बॉसर मैन मतलब धोबी का फिजिकल था, सेम आपका अदर ट्रेड का भी है। कोई सर्टिफिकेट की जरूरत थी भाई या ऐसे ही? नहीं नहीं कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस आपको काम आना चाहिए, जो भी नोटिफिकेशन दे रखा है उस हिसाब से आपको काम आना चाहिए। हाँ तो भाई देखो, जो जो लिखा है ना नोटिफिकेशन में, क्लियर लिखा है किस ट्रेड को क्या चाहिए, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो अपने घर वालों से सीख लो, धोबी की दुकान पे चले जाओ। और नॉर्मल है यार, आप अगर आप प्रेस किसी इस ट्रेड में जा रहे हो तो आपने कभी न कभी प्रेस की होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो ये आपको चीज़ें आपने सुन ली है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है। ये थोड़ी नई चीज़ें थी कि भाई प्रेस बंद करनी है जाके आने पर, कहाँ से स्टार्ट करना है पॉइंट, ये सब ट्रेड ही थोड़ा मेन है क्योंकि फिजिकल की तैयारी तो आपने की होगी। थैंक यू सो मच विनोद भाई, आपने इतना टाइम दिया लोगों की, इससे मुझे लगता है काफी सारी हेल्प होगी। ठीक है, थैंक यू। ओके भाई, ओके।